इस पूरे पैराग्राफ में ये बताया गया है कि ऑक्सीजन डिसोसिएशन जो कर्व रहता है वो सिग्मोइड शेप होता है और एक कब राइट शिफ्ट होगा कब लेफ्ट शिफ्ट होगा तो ये रहा आपका ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व अब ये सबसे पहले देख लेते हैं राइट शिफ्ट कब होगा तो एट टिश्यू लेवल पे जब पी पार्शियल प्रेशर आप सीओ टू बढ़ जाए या फिर सी ओ टू कंसनट्रेशन ज़्यादा हो जाए या प्लस कंसेंसट्रेशन ज़्यादा हो जाए या फिर टेम्परेचर बढ़ा दिया जाए या फिर टू थ्री डी पी जी ए बढ़ जाए तब डिसोसिएशन ऑफ हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन को होगा तब ये राइट शिफ्ट होगा या फिर ये कह लो कि इन फीटस में या फिर आइटालोलाई लेवल पे या फिर जब एसोसिएशन ऑफ हीमोग्लोबिन विथ ऑक्सीजन होगा तब ये लेफ्ट शिफ्ट होगा और लास्ट में इसी पैराग्राफ के लास्ट में ये बताया गया है के अंडर नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशन पे जो सौ एम एल ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है वो सिर्फ पाँच एम एल जो होता है पाँच एम एल ऑफ ऑक्सीजन वो टीशू को देगा मतलब सौ एम एल ब्लड सिर्फ पाँच एम एल ऑक्सीजन देगा अब बात करेंगे ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड की मेनली इसका ट्रांसपोर्ट बाई कार्बोनेट के फार्म में होता है सेवेंटी परसेंट लेकिन सी ओ टू इज कैरियड बाई हीमोग्लोबिन तब इसे हम कार्बामिनो हीमोग्लोबिन बोलते हैं 20 से 25 परसेंट ट्रांसपोर्ट होता है इसका और जो CO2 टू का हीमोग्लोबिन के साथ बाइंडिंग भी पार्शियल प्रेशर आप ऑक्सीजन पे ही डिपेंड करता है और ऑक्सीजन का बाइंडिंग विथ हीमोग्लोबिन ये भी पार्शियल प्रेशर आप ऑक्सीजन पे ही डिपेंड करता है इस पैराग्राफ में ये बताया गया है कि प्लाज्मा और आर दोनों में कार्बोनिक एनहाइड्रेज इंजाइम प्रेजेंट होता है बट आरबीसी में ज्यादा होता है इस पैराग्राफ में ये बताया गया है कि एट द टीशू साइट वेयर पार्शियल प्रेशर ऑफ सी ओ टू इज हाई ड्यू टू कैटाबोल मेटाबोलिज्म या फिर कैटाबोलिज्म मतलब कि जहाँ सी ओ टू का प्रेशर ज्यादा है पार्शियल प्रेशर ज्यादा है वहाँ से सी ओ टू ब्लड में आ जाएगा मतलब सी ओ टू आप टिशू से ब्लड में आ गया फिर इसके बाद एट द लेवर आप एलोलाई जहाँ पार्शियल प्रेशर आप सी का कम है तो वो क्या करेगा पार्शियल प्रेशर आप एलोलाई के पास कम है तो रिएक्शन प्रोसीड्स इन अपोजिट डायरेक्शन में ये रिएक्शन हो जाएगा और फार्मेशन आप सी ओ टू एंड वाटर हो जाएगा मतलब बाइकार्बोनेट अब फिर ब्रेक हो जाएगा एलोलाई के पास सी ओ टू और वाटर के फार्म में फिर वहाँ से सी ओ टू जो होगा तुम्हारा वो दस सी ओ टू ट्रेपड ऐसा बाई कार्बोनेट और टिशू लेवल एंड ट्रांसपोर्ट टू द एलोलाई एंड रिलीज ऑफ सी टू मतलब कि वहाँ से बाईकार्बोनेट के फार्म में ट्रांसपोर्ट होगा टिश्यू लेवल से एलोलाई तक फिर एलोलाई के पास आके ये सी ओ टू और वाटर में ब्रेक हो जाएगा इसका मतलब ये हुआ कि सौ एम एल डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड केवल चार एम एल आप सी ओ टू को डिलीवर कर रहा है एलोलाई पे के लेवल पे अब देखते हैं रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन ह्यूमन बीइंग हैव एबिलिटी हैव सिग्निफिकेंस एबिलिटी टू मेंटेन एंड मॉडरेट द रेस्पिरेटरी रिदम टू सूट द डिमांड ऑफ द बॉडी टिश्यू मतलब कि ह्यूमन के पास एबिलिटी है टू मेंटेन करने की और फिर मॉडरेट करने की रेस्पिरेटरी रिदम अपने बॉडी के टिश्यू के अनुसार के बॉडी टिश्यू के रिक्वायरमेंट के अनुसार दिस इज ड्यूबाई न्यूरल सिस्टम जो कि न्यूरल सिस्टम के द्वारा किया जाता है सेंटर प्रजेंट होता है मेडुला रीजन में जिसे हम रेस्परेटरी रिदम सेंटर के नाम से जानते हैं ये प्राइमरी रिस्पॉन्सिबल होता है इस टाइप के रेगुलेशन में मतलब न्यूरल रेगुलेशन ऑफ रेस्परेटरी रिदम अनादर सेंटर प्रजेंट इन दौस ऑफ द ब्रेन कार्ड न्यूमोटिक मोनरेट द फंक्शन ऑफ रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर अब रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर के फंक्शन को तुम्हारा कौन दिखेगा निमोटैक्सिक सेंटर रेगुलेट करेगा निमोटैक्सिक सेंटर रेगुलेट करेगा न्यूरल सिग्नल फ्रॉम दिस सेंटर कैन रिड्यूस द ड्यूरेशन ऑफ इंस्पायरेशन तो न्यूरल सिग्नल फ्रॉम दिस सेंटर मतलब क्या निमोटैक्सिक सेंटर न्यूरल सिग्नल फ्रॉम न्यूमोटैक्सिक सेंटर कैन रिड्यूस द ड्यूरेशन ऑफ इंस्पायरेशन इंस्पायरेशन को कम कर देगा इंस्पायरेशन के ड्यूरेशन कम कर देगा देर बाय अल्टर द रेस्परेटरी रेट मतलब रे, इंस्पायरेटरी और इंस्पायरेशन के ड्यूरेशन को कम करके रेस्परेटरी रेट को चेंज कर रहा है न्यूमोटैक्सिक सेंटर जबकि के, सेंसिटिव एरिया इज एडजेंड टू द रिदम सेंटर मतलब रेस्परेटरी रिदम सेंटर के बगल में एक सेंसिटिव एरिया होता है जो कि हाइगली सेंसिटिव फॉर सी ओ टू एंड हाइड्रोजन आयन इनक्रीज इन दिस सबस्टेंसेस कैन एक्टिवेट दिस सेंटर मतलब सी ओ और अगर हाइड्रोजन आयन अगर बढ़ा तो ये सब सारे सेंटर तुम्हारे एक्टिवेट हो जाएंगे कैन सिग्नल द रिदम सेंटर और ये फिर रिदम सेंटर को तुम्हारे रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर को सिग्नल देंगे टू मेक नेसेसरी एडजस्टमेंट मतलब रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर अब कुछ नेसेसरी एडजस्टमेंट करे इन द रेस्परेटरी प्रोसेस बाई विच दिस सबस्टेंसेज कन भी इलिमिनेटेड मतलब कुछ ऐसा जुगाड़ करें ताकि ये सी ओ टू और एच प्लस एलिमिनेट हो सके रिसेप्टार एसोसिएटेड विथ ऑर्टिक आश और आर्टरी कैन आल्सो रिकोगनाइज सी ओ टू और एच प्लस मतलब रिसेप्टार जो एसोसिएटेड होते हैं ऑर्टिक आश और कैरोटिड आर्टरी से वो भी यही चेंज मतलब सी ओ टू और एच प्लस के चेंज में ही चेंज को ही फील करते हैं एंड सेन्ड नेसेसरी फील नेसेसरी सिग्नल टू द रेस्पिरेटरी ये भी तुम्हारा रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर को ही फिर ये सिग्नल भेजेंगे द रोल ऑफ ऑक्सीजन इन द रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेटरी रिदम सिस्टम ऑक्सीजन का रोल टू रेगुलेट रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर बहुत कम है एक बार फिर से न्यूरल रेगुलेशन को देख लेते हैं रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर जो होता है मेडुलम प्रेजेंट होता है तो प्राइमरी रिस्पॉन्सिबल फॉर रेगुलेशन आप रेस्पिरेटरी रेट के लिए फिर है सेंटर में प्रेजेंट होता है ये डिक्रीज करता है इंस्पायरेसन को अल्टरिंग द रेस्पिरेटरी रेट को अल्टर करता है इसको मॉडरेट द फंक्शन ऑफ फंक्शन को इसके बाद केमोसेंसिटिव एरिया जो होता है प्रेजेंट आडिया तो, रेस्पिरेटरी आर्ट जो चेंज इन सीओ और एच प्लस और फिर रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर जो था बाय दूसरा तीसरा चौथा सेंटर रिसेप्टर कैरोटिड आर्टरी हम लास्ट में देखेंगे डिसऑर्डर ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम इसमें सबसे पहले बात करेंगे अस्थमा की अस्थमा क्या है तो क्रॉनिक इन्फ्लामेशन ब्रोंक ब्रोंकाई और ब्रोंकियोल्स का क्रॉनिक इन्फ्लामेशन होता है इसमें वीजिंग की साउंड आती है और डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग में होती है अब दूसरी बीमारी है इम्फाइसेमा ये भी तुम्हारी क्रॉनिक डिसऑर्डर है इसमें क्या होता है अलोलर वाल जो होते हैं वो डैमेज हो जाते हैं ड्यू टू विच रेस्परेटरी सरफेस डिक्रीज हो जाएगा क्रॉनिक डिसऑर्डर है अलोलर वाल डैमेज हो जाएंगे तो रेस्परेटरी सरफेस एरिया डिक्रीज कर जाएगी ये मेनली तुम्हारा सिगरेट स्मोकिंग के कारण होता है जैसे कि शाहरुख खान में है और ध्यान रखना अस्थमाइज या टाइप ऑफ एलर्जी आखिरी में हम पढ़ेंगे ऑफ पर्सनल रेस्परेटरी डिसऑर्डर ये क्या होता है ये कुछ इंडस्ट्रीज में काम करने के कारण होता है जहाँ की ग्राइंडिंग और स्टोन ब्रेकिंग का काम चल रहा हो इसमें क्या होता है कि इतना सारा डस्ट प्रोड्यूस होता है जो हमारी नॉर्मल बॉडी की मैकेनिज्म होती है या फिर जो नॉर्मल बॉडी है उसे फाइट नहीं कर पाती जिसके कारण जो हमारा डिफेंस मैकेनिज्म होता है वो हार जाता है इसके लॉन्ग एक्सपोजर के कारण इन्फ्लामेशन होता है जिसके कारण कि फाइब्रोसिस होती है जो कि सीरियस लंग डैमेज को लीड्स करता है और मेनली इसको प्रोटेक्ट करने का सिर्फ एक ही तरीका है मास्क लगाएं। हमारा जो रेस्पिरेटरी रिदम है मेनली चार चीज़ों से मेंटेन किया जाता है पहला है रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर से जो कि मेडोला में प्रजेंट होता है दूसरा है नीमोटैक्सी सेंटर जो कि पौस में प्रजेंट होता है तीसरा है कीमोसेंसिटिव एरिया जो कि मेडुला में प्रजेंट होता है ये रेस्परेटरी मैकेनिज्म को अल्टर कर सकते हैं और चौथा है रेस्परेटरी रिसेप्टारा फवर्टिकार्ज और कॉरिटूड बॉडी अब कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट देखते हैं हीमोग्लोबिन जब ऑक्सीजन से बाइंड होता है तो इसको ऑक्सी हिमोग्लोबिन करते हैं ऑक्सी हिमोग्लोबिन का फार्मेशन करता है और हीमोग्लोबिन जब सी ओ टू के साथ बाइंड होता है तो कार्बामिनो हीमोग्लोबिन का फार्मेशन करता है और वहीं सी ओ के साथ जब बाइंड होता है तो कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन का फार्मेशन करता है नाइट्रिक एसिड या फिर ओथ्री ओजोन से जब बाइंड करता है तो मेथेमोग्लोबिन या मेथेन का फार्मेशन करता है हम्म और फिर ऑक्सीजन और सी ओ टू वाला जो बाइंड करने में जो बनाता है प्रोडक्ट वो अनस्टेबल होते हैं बाकी इन दोनों के स्टेबल होते हैं इस ऑक्सीजन वाले का ब्राइट रेड होता है सी ओ टू का डार्क रेड होता है सी ओ का चेरी रेड होता है और इसका एनओथ्री का कलरलेस होता है ओजोन का और इसको ऑक्सीजन से जब बाइंड होता है इसको ऑक्सीजनेशन बोलते हैं और जब एनओ थ्री या ओ थ्री से बाइंड होता है उसको ऑक्सीडेशन बोलते हैं मायोग्लोबिन है मोर एफिनिटी फॉर ऑक्सीजन देन हीमोग्लोबिन मायोग्लोबिन में केवल एक आयरन होता है जबकि हीमोग्लोबिन में चार आयरन होते हैं